सर। चलो भाई आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो भाई, तो हमारे पास एक ये मास दे रखा है, ठीक है, M1। ये मेरे पास M2 दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये नीचे आ रहा है तो इस पे एक टेंशन लग रही है T। तो जितना टेंशन इस, क्योंकि वायर खिंच गई होगी ना, ये पुल्ली है। अगर तुम पुल्ली जैसे वो गाते नहीं यस सर। पनघट पे जब तुम खींचते हो, तो तुम्हारी साइड से भी टेंशन उतनी है, तो नीचे भी तो टेंशन उतनी लग रही होगी। अरे कुआ जो यस होता है ऐसे, मान लो कोई औरत खींच रही है, यस ठीक है, सर। तो अगर ऐसे खींच रहा तो यहाँ की रस्सी में भी उतना ही टेंशन है, यहाँ से पुल्ली के बाद यहाँ भी उतना ही टेंशन है। तो ये वही वाली बात है, ठीक है, तो टेंशन सेम लग रहा है। तो जरा अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है कि अगर कोई भी चीज मोशन में आ जाता है, तो मोशन में आ जाता है तो बताओ हमें एम में उसे लिखना पड़ता है या नहीं लिखना पड़ता है? लिखना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, लिखना अच्छा पड़ता एक मिनट सर, पे ध्यान सुने। सबसे पहले मैंने एक चीज बता रखी है तुम्हें कि फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। तो फ्री बॉडी है। हाँ डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा इसके अंदर, तो कैसे बन जाएगा? देखो ये M2 है, तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा? नीचे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा इसका वेट भी नीचे लग रहा होगा, भाई कोई भी चीज होती है तो उसका वेट हमेशा नीचे लगता है, एम आई राइट? तो इसका वेट भी यस M1 जी है, इसका वेट M2 जी है। अब जरा बताओ इसका नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि ये एक जगह पे खड़ी हो रखी है। अगर कोई चीज एक जगह पे रहती है तो उस पर क्या लगता है? नॉर्मल तो इसका नॉर्मल नॉर्मल कहाँ जा रहा होगा? ऊपर। ऊपर। तो ये R हो गया, एम आई राइट एवरीबडी? यस क्या इस पे भी नॉर्मल लग रहा होगा M2G वाले पे? हाँ सर। अच्छा नो सर, वेरी नहीं सर, गुड। टेंशन नो सर, लग नो रहा सर, ये एक जगह पे है नहीं। ना, नो सर, क्यों नहीं टेंशन लग रहा इसमें? बताओ क्यों नहीं लग रहा? सर, क्योंकि उसके वर्टिकली टेंशन लग रहा है। नॉर्मल कोई भी लग रहा चीज, होगा कोई लेकिन भी चीज जब तक नॉर्मल। हवा में रहती है उसमें कोई नॉर्मल नहीं लगता है। मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पे नॉर्मल है, लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ तो मेरे पे कोई टेंशन नहीं लग रहा है। मेरे पे कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है, ठीक है? ये हवा अच्छा में तैर रहा है, हवा में तैरने पे कोई नॉर्मल नहीं लगता है भाई, ठीक है? तो इस वाली के अंदर कोई नॉर्मल ओके नहीं है। सर, वो जो जब वो तो ठहरा हुआ है ना, तो ठहरा हुआ है तभी तो नॉर्मल आया, तभी तो मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ। ये नीचे गिर रहा है M2 वाला, तो जब M2 वाला नीचे गिर रहा है तो नॉर्मल क्यों लगेगा? ठीक है, ओके। अब जरा देखो, अभी सर अभी ये जो नीचे की साइड गिर रहा है, देखो एक तो इसका वेट अपना खुद का है M2G, ऊपर से ये एक वेट को और खींच रहा है। कौन सा वेट है वो? M1G, M1G राइट? तो अब M1 ये एक्सेल जितनी जितनी तेजी से नीचे आएगा उतनी तेजी से इधर की साइड खिसक के आएगा, हाँ जितनी तेजी यस से ये सर। आएगा उतनी तेजी से ये भी आ रहा है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, फोर्स इज इक्वल टू, सबने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है, राइट? अच्छा अभी एक्सेलरेशन, तो अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाहूँ तो जरा बताना टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? कैन आई से M1 प्लस का M2 टोटल, यस सर। क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों के लिए ही तो है। तो M1 प्लस का M2 ये मेरे पास जाएगा। जैसे मान लो एक रेल जा रही है, रेल की कुछ एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो तुम एक ही डिब्बा लोगे या सारे डिब्बे लोगे? सारे डिब्बे वो सारे देखो स्वास्थ्य का करी, एक लेंगे। सॉरी सर, हाँ सब एक लेंगे, आगे वाला ज्यादा अच्छा घूमने होता है ना, पीछे वाले तो ऐसे होते हैं। वाले हाँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, F इज इक्वल टू M ए, M1 प्लस का M2 टोटल मास आ गया। अब जरा बताओ मुझे, ये मेरे पास टोटल हो गया, लेकिन एक्चुअली में मैंने ये कर तो दिया ए, लेकिन एक्चुअली में नीचे की साइड खींच कौन रहा है उसे? सेकंड लॉ ऑफ मोशन लग, M2 जी M2G की वजह से वो नीचे जा रहा है ना, तो ये मेरे पास क्या यस हो सर। जाएगा? M2G की वजह से वो नीचे जा रहा है, जो फोर्स लग रहा है वेट उसका, और ये टोटल एक्सेलरेशन M1 प्लस का M2, और ये मेरे पास हो जाएगा। ये तो जरा बताना एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरे पास? तो एक्सेलरेशन का जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 15/15 एम यानी वन कि 10/3। सर तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा जरा करना एक बार। M2 कितना दे रखा है तुम्हें? 50/15 50 कैसे दे सर, रखा है? अच्छा, 5 है जी ना को 10 ले लेना, जी को 10 ले लेंगे तो ये क्या हो सर। जाएगा? सर हमने फोर्स को M2G इसलिए लिया क्योंकि M2G के फोर्स से नीचे खींचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि M2G अगर ज्यादा नहीं होता तो ये कभी नीचे जा ही नहीं पाता। M2G हाँ सर। ज्यादा है इसलिए वो नीचे की साइड जा रहा है, तो वो फोर्स हो गया। अब वो एक्चुअली में कितने मास को लेके जा रहा है? एक उसका अपना मास और एक दूसरे का मास भी हो गया जो इस रस्सी के अंदर लग रहा है टोटल। हाँ तो सर, इसलिए समझ। ऐसे, यस सर। तो ये 55 × 10 50। अच्छा M1 M2 कितना हो गया मेरे पास? 15 तो 10/3 एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10/3 तो टेंशन आ गया 100/3 बिल्कुल। ठीक है, तो 100/3 तो अप्रोक्सीमेट कितना? अप्रॉक्सीमेट थ्री ठीक पॉइंट तो थ्री है, पॉइंट अभी थ्री 50/3 रहते, क्या पॉइंट पता चीजें कट जाए आपस में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना जरा, अब एक बार जरा डायग्राम देखो एक बार सारे बच्चे, ये जो मैंने ऊपर बनाया है। अब मान लो अगर ये मेरे पास टेंशन टेंशन सेम थी, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस वाली वायर के अंदर टेंशन देखूंगा, तो इस वाली वायर में जो टेंशन लग रही होगी वो टेंशन किसकी वजह से होगी? कहना इसे यहाँ पे जितना वेट लग रहा है,
M2G हाँ सर सोच लो एक बार अगर मुझे देखो यहाँ पे भी टेंशन है यहाँ पर भी टेंशन है तो अगर मैं टेंशन देखूंगा ऊपर वाली टेंशन देखूंगा तो वो ऊपर वाली टेंशन किस चीज को खींच रही है M1 को खींच रही है ऐसे और नीचे वाली जो टेंशन है वो M2G को खींच रही है राइट मतलब जो M2G वेट लग रहा है अरे भाई यही तो बताया था देखो इस वाली को सिचुएशन को देखो M2G नीचे की साइड आ रहा है अगर M2G नीचे की साइड आ रहा है M2G तो ऊपर की साइड जो टेंशन है ये आपस में इक्वल है ना तभी तो रस्सी टूट नहीं रही हाँ सर तो इसका मतलब ये वाला टेंशन किसके बराबर हो गया M2G के राइट अच्छा तो M2 कितना देर दे रखा है तुम्हें वैसे 10 किलो 5 और ये जी तो तुम्हें तो चलो तो मेरे पास ये पूरा निकल के आ गया 50 तो चलो ये वाला टेंशन तो निकल गया अब ये भी मेरे पास क्या होना चाहिए था वैसे एक सेकंड ये 50 निकल के आ गया अब जरा एक सेकंड ये वाला टेंशन देखना अगर क्या पता लग भी हो सकता है अगर मैं ये वाला अलग ही है ना अगर मैं ये वाला टेंशन निकालूंगा एक सेकंड रुक जाओ अगर मैं ये वाला टेंशन निकालूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा M1A A क्यों ले रहा हूँ मैं जी क्यों नहीं ले रहा हूँ जरा बताना एक बार सर क्योंकि उधर क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेरी गुड हॉरिजॉन्टल में कभी भी हम जी नहीं ले सकते वो खिसकते हुए जा रहा है हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो अगर वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो इसका मतलब उसमें जी तो लग ही नहीं सकता जी तो ऊपर नीचे में लगता है ना एम आई राइट Yes, तो इसीलिए अब वो एक सेकंड अब ध्यान रखना क्योंकि क्योंकि अब वो हॉरी उसमें फ्रिक्शन का भी रोल आएगा वो खिसकते हुए भी जा रहा है तो इसीलिए यहाँ की टेंशन थोड़ी सी अब अलग हो सकती है क्योंकि वो खिसकते हुए जा रहा है और अगर खिसकते हुए जा रहा है तभी तो हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाली यहाँ से तो इसका मतलब यहाँ पे अगर टेंशन को मैं T1 मान लूं तो इसको T2 मानना पड़ेगा वो खिसकते हुए जा रहा है तो अभी हमने T1 तो निकाल लिया अगर मैं T2 निकालूंगा तो वो M1 ही आएगा M1 कितना है तुम्हें दे रखा है और एक्सेलेरेशन अभी हमने कितना निकाला 50 अपॉन में 15 ठीक है काट पीट के आंसर निकल जाएगा मेरा ये T2 ठीक है भाई तो टेंशन यहाँ पे अलग नहीं है क्यों क्योंकि वो तो हवा वाली टेंशन अलग है और ये जो जमीन वाली टेंशन खींच रहा है तो वो अलग है ठीक है मान लो यहाँ पे एक पुल्ली लगा दी गई है तो नीचे की साइड जो है वो नीचे की साइड यहाँ पे टेंशन कुछ और हो सकती है और वो खिसकते हुए आ रहा है यहाँ के टेंशन कुछ और ठीक है भाई याद रहेगा सब बच्चों को हाँ हाँ बोलो बोलो सर हमने T1 को M2G क्यों लिया? T1 को क्योंकि T1 पे M2G ही तो लग रहा है ये रहा देखो ये T1 माना मैंने इसको तो अगर ये T1 ऊपर की साइड जा रहा है तो इसका नीचे इक्वल अपोजिट क्या है इक्वल अपोजिट क्या है इसका सर हाँ हाँ हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम पहले क्वेश्चन में किया था कि M2A is equals to M2G minus T1 Yes sir तो मैं भी ये कहने वाली हूँ ठीक है एक काम करते हैं अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा हम ले सकते हैं लेकिन इस कंडीशन के लिए तो लगा लेंगे लेकिन ऊपर वाली कंडीशन के लिए फिर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे हमें कुछ दे नहीं रखा फ्रिक्शन का और फ्रिक्शन का टॉपिक अभी हमने पढ़ा भी नहीं है एक्चुअली अगर तुम देखो यहाँ पे तुम वो लगा सकते हो जो मैंने बताया लेकिन ऊपर वाले में कैसे लगाओगे फिर चलो एक काम करते हैं ठीक है अभी जिसको समझ नहीं आया कोई बात नहीं तो मैं एक और तरीका बताता हूँ अभी इतना समझ लिया सबने कि T1 हो गया मेरा M2G और T1 हो गया मेरा M1A ठीक है अब जो स्नेहा कह रही है वो इस तरीके से कह रही है करने को बहुत सारे तरीके हैं ठीक है हम बहुत सारे तरीके अप्लाई कर सकते हैं तो देखो क्या कह रही है स्नेहा जैसे कि मैंने बताया था अगर कोई भी चीज मोशन में होती है तो बताओ हम उसे एम ए लिखते हैं या नहीं लिखते हैं क्या ये नीचे मोशन में जा रहा है हाँ अगर मोशन में जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे M2G एक सेकंड M2A लिख दिया ना मोशन में है अच्छा अब ज्यादा कौन सा वाला है नीचे वाला या ऊपर वाला नीचे वाला तो नीचे वाला ज्यादा है तो हम लिखेंगे M2G माइनस का T1 टेंशन 1 एम आई राइट पीपल ठीक है अब हमें निकालना क्या है एक्चुअली में एक्सीलरेशन अगर मुझे इसका यूज करना है तो ये मेरा हो जाएगा कैसे होगा सर टी तो पता ही नहीं है एक्सीलरेशन तो निकाली ना T/15 वाली अरे एक्चुअली में हमें T1 निकालना था ना अब एक्सीलरेशन हमारा क्या कहा अभी एक सेकंड अन्वेषा तुमने सर एक्सेलरेशन तो निकाली ना 50 निकाल ली अब हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं वो तो हो गया है
वो हमने दूसरे तरीके से निकाल लिया एक्सेलरेशन, अब हम और तरीका अपनाना चाह रहे हैं जो स्नेहा ने बोला है कि उस तरीके से निकालने की कोशिश। हम लोग फर्स्ट वाले जो m1 है उससे हम लोग इक्वेशन नहीं बना सकते p = m1 a। एक सेकंड स्नेहा, एक्चुअली अगर तुम ये वाला तरीका अपनाओगे ना, इसमें देखो दो वेरिएबल एक साथ आ गए स्नेहा, एक तो एक्सेलरेशन का वेरिएबल आ गया और ऊपर से t1 का वेरिएबल आ गया, तो दो वेरिएबल एक साथ है, और अगर दो वेरिएबल अगर एक साथ आ जाएंगे तो क्या हम उसे निकाल पाते हैं स्नेहा? नहीं निकाल पाते ना, इसीलिए मैंने वहां पे सेकंड लॉ ऑफ लगाया, सेकंड लॉ ऑफ फोर्स लगाया है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाया है मैंने वहां पे, नोटिस करो, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स टोटल क्या हो गया एम वन प्लस एम टू, इसलिए मैंने वो सेकंड लॉ से करके दिखाया, इससे नहीं किया क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है। अगर हमें एक चीज दे रखी होती तो हम बिंदास तरीके से ये लगाते, ठीक है स्नेहा? तो बिल्कुल हमें पता है कि ये भी तरीका भी है, लेकिन जब हम निकल ही था उससे तो इसलिए हमने वहां पे क्या लगा दिया सेकंड लॉ, मतलब आई मीन वो लगा दिया हमने सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन वाला जो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा एक क्वेश्चन ना ऐसा एंट्रेंस में बहुत आता है, ठीक है सारे बच्चे ध्यान से सुनना, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो एंट्रेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो चीजें एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो सब बच्चे। अच्छा एक कभी कभी इस तरीके से आता है, एक ना रिजिड वॉल है तुम्हारी, रिजिड वॉल एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से, वो ऐसे करके उसमें ना ऐसे कुंडा सा अटका हुआ है, ऐसे एक हुक है, ठीक है, और यहाँ पे ना एक ब्लॉक है, एक टुकड़ा है लकड़ी का, ठीक है, और वो लकड़ी पे ना यहाँ पे इस तरीके से ना एक पुल्ली लगी हुई है, पुल्ली, ठीक है। अब वो पुल्ली लगी हुई है तो हमने क्या करा, एक रस्सी को ले जाके इसको ऐसे कुंडे से अटका के पुल्ली से, मान लो ये ऐसे ना यहाँ पे माइका इसे खींचने की कोशिश कर रही है, मान लो ये रही, ठीक है, तो ये माइका ये इसको खींच रही है ऐसे, ठीक है, तो ये इसको खींच रही है, तो बताओ अब क्या ये रिजिड वॉल क्या तोड़ देगी? नहीं, लेकिन जब ये इसको खींचने की कोशिश करेगी तो क्या चीज पास में आ सकती है, रिजिड वॉल या फिर ये लकड़ी का टुकड़ा ब्लॉक है? अगर ये ज्यादा एनर्जी लगाएगी तो फिर ये इसके पास आएगा ना, देखा जाए तो रिजिड वॉल तो रिजिड वॉल होती है, वो आ सकता है क्या? नहीं, तो वो तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि रिजिड वॉल आ गई तो एक्चुअली में तुम्हें ना हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है जो तुम ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, और मान लो तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखा है 10 का एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो अब तुम्हें बोल रहा है कि अब आप बेसिकली निकालें मतलब बेसिकली तो तुमको फोर्स निकालना है कि बताओ कितना फोर्स लगाया जा रहा होगा, कितना फोर्स लगाया जा रहा होगा जो हम जो माइका इस हुक के आई मीन इस ब्लॉक के ऊपर लगा रही है। अच्छा जरा एक बात बताना, अगर ये फोर्स पूछ रहा है, फोर्स मतलब फोर्स पूछ रही है माइका की, बताओ मैं कितना फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, तो यार नोटिस करो एक चीज जरा कि अगर माइका वहां से खींच रही है, ठीक है, वहां से एक फोर्स को अगर खींच रही है और अगर खींच रही है तो पुल्ली थोड़ी थोड़ी खींचती जाएगी, और पुल्ली खींचती जाएगी ये वाली वॉल तो रिजिड है, ठीक है ना, ये वाली वॉल ये तो रिजिड वॉल है, तो अब रस्सी के अंदर बताओ टेंशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। Am I right? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा जरा बात बताओ, अब अगर आना चाहिए तो बताओ माइका ने यहाँ पे ऐसे इसको फोर्स से खींचा एफ से, तो जितनी फोर्स से माइका एफ के फोर्स से खींच रही होगी तो अब देखो ये तो रिजिड वॉल है, तो तुमको नहीं लगता कि उतने ही फोर्स से ये रिजिड वॉल भी माइका को खींचने की कोशिश कर रही होगी? एक्शन रिएक्शन सोचो, ठीक है, क्योंकि क्योंकि रिजिड वॉल तो हिल नहीं सकती, अब तुमने उसको डबल कर दिया है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से खींचते तो एक होता, लेकिन पुल्ली का यूज करके इसने उसे डबल कर दिया, एक तो यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है और अब यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग गया? 2F भाई, 1F लग रहा था, लेकिन माइका ने पुल्ली का यूज करवा के उसको ऐसे खींच दिया तो अब डबल फोर्स नहीं हो गया वो एक तरह से, मतलब फोर्स को तुमने बढ़ा दिया बेफालतू की, क्यों? क्योंकि तुमने पुल्ली लगा दी, अब वो यहाँ से भी एफ लग रहा है और यहाँ से भी एफ लग रहा है, तो बताओ अब यहाँ की जो ये रस्सी है ये वाली, बताओ ये अभी तक टूट नहीं रही, तो बताओ इसका टेंशन को जिस साइड जा रहा होगा? हाँ सर, दोनों साइड लग रहा है। ये वाला भी समझ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक पुल्ली है, ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ से एक लड़की इसको यहाँ से फोर्स लगा रही है, राइट, इस डायरेक्शन में, तो ये एफ लगा रही है, लेकिन तुम्हें पता है कि जब तुम इस रस्सी को खींचोगे तो ये वाली रस्सी खींचेगी या नहीं खींचेगी? ये वाली सोचो,
तो जब ये वाली खींचेगी इसका मतलब अगर तुम यहाँ से 50 की तरफ खींच रही हो तो ये रस्सी भी तो 50 की तरह एकदम सीधी हो जाएगी कि 50 से कोई खींच रहा है, क्योंकि ये तो हिल नहीं सकता, ये तो बिल्कुल अटैच है एकदम लोहे के अटैच हो रखा है। तो जब ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, तो जरा बताना इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। 2F 100 हो गया ना एक तरह से, क्योंकि 50 ये है और उतने से ये भी खींच रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली, ठीक है। अब देखो 100 है अब, लेकिन ये वाली रस्सी अभी तक टूट नहीं रही है वाली, ये यहाँ पे जो है दो फोर्स यहाँ लग रहे हैं और ये वाली रस्सी टूट नहीं रही है, तो इसका मतलब अब रस्सी के अंदर कौन सा फोर्स होता है जरा बताना एक बार। टेंशन। तो यहाँ की रस्सी अगर टूट नहीं रही है तो इसका मतलब कहना इसे कि ये दो फोर्स ने इस टेंशन को आपस में इक्वेट करवा लिया, तभी तो, वरना तो रस्सी टूट जाती, वरना रस्सी टूट जाती ना। तो इसका मतलब कहना इसे जो 2F है पक्की बात है टेंशन के बराबर हो गया होगा भाई, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है तभी तो, ठीक है। तो ये 2F is equal to T हो गया। अब मुझे एक बात बताना, टेंशन हमेशा किसके बराबर होता है? टेंशन जो होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है? टेंशन एक तरह से स्ट्रिंग का फोर्स होता है ना। तो मैं ऊपर, मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन तो मैं कितना दे रखा है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है, मैंने अभी ऊपर क्या बोला था, एक्सेलरेशन मैंने कितना दिया था, टेंशन लिखा है। अच्छा सॉरी मैंने लिख दिया, ठीक है। मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैंने एक्सेलरेशन अगर तुम्हें 10 दे दिया है, तो जरा बताना अब अगर मुझे टेंशन निकालनी होगी तो टेंशन को क्या मैं MA बोल सकता हूँ, MA, क्योंकि ब्लॉक तो मूवेबल है। तो अब अगर ये MA है, अच्छा मान लो इसका मास मैंने दे रखा है तुम्हें इस ब्लॉक का 100, ठीक है, 100 kg मान लो, तो टेंशन इज इक्वल टू MA, क्योंकि ये फोर्स है जिस फोर्स से खींच रहा होगा, तो टेंशन अगर इज इक्वल टू MA तो हाँ, तो ये 100 हो गया, एक्सेलरेशन 10 है, तो ये मेरे पास हो गया टेंशन 1000 newton। तो इसका मतलब तुम्हारा टेंशन 1000 newton निकल के आ चुका है। तो अब तुम फोर्स निकाल लोगे 500, 2F is equal to tension था, टेंशन तुम्हारा कितना है 1000 का, तो जरा बताना कि एक्चुअली में उसने कितने से खींचा होगा फिर 500 newton से ना भाई, सिंपल सी बात है ना। देखो कैसे, अगर ये इस रस्सी के अंदर अगर 1000 लग रहा है फोर्स और यहाँ पे दो फोर्स से खींचा जा रहा है इसका और इसका, तो पक्की बात है ना, तो माइका ने कितने से खींचा होगा, 500 से खींचा होगा ना, क्योंकि 500 तभी तो ये 1000 के बराबर हुआ होगा। अच्छा इसको ना देखो इस तरीके से सोचना, ठीक है, आ गया। जैसे मान लो मैं ऐसा करके दोनों हाथ ऐसा करके खड़ा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो अगर कोई पर्सन है, वो अपने दोनों हाथ इस तरीके से करके खड़ा है, ऐसे और ऐसे दोनों हाथ, ये वाले हाथ से मान लो कोई से खींच रहा है, मान लो IELTS के बहुत सारे बच्चे, ठीक है, कह रहे सर इधर की साइड, और मान लो मेरे ये वाले हाथ को ना एक उससे बांध दिया गया है, एक स्टिक रिजिड बॉडी से बांध दिया गया है, ठीक है। अब मेरे पेट पे किसी ने रस्सी बांध के ना कोई मुझे यहाँ से खींच रहा है एक्चुअली में, मान लो 2000 के फोर्स से, 2000 newton। तो जरा बताना अब जब बच्चे मुझे यहाँ से खींच रहे होंगे, ठीक है, तो जरा बताना इस साइड मेरे पास कितना फोर्स लगा। अरे मान लो ILC वालों ने मेरे पे फोर्स लगाया F, तो एक्चुअली में बताना इस साइड मेरे पास कितना फोर्स लग रहा होगा, 2F लग रहा है, क्योंकि इधर भी लग रहा है और भाई जब इस साइड खींच रहा है तो इस वाले हाथ भी तो खींच रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, तो ये भी F है मेरे पास, क्योंकि ये वाला जब खींच रहा है इधर की साइड तो ऐसे लगेगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, तो मान लो ये 2F हो गया और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 2000 के। तो जरा बताना एक बार बच्चे कितने से खींच रहे होंगे, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ दो लाइन के अंदर इनका आंसर आ जाता है। आई होप सब बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सर मुझे मतलब सर थोड़ा सा अब समझ नहीं आया कि मतलब 2F कैसे हो गया, एक साइड से तो खिंच रहा है सर। यार इस तरीके से समझो, एक्चुअली ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपना वाला एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे पुल्ली समझ भाई, ठीक है। एक मान लो कि ये एक रस्सी को तुम ऐसे पुल्ली में लटका के यहाँ से खींच रहा है भाई, ठीक है। तो भाई मुझे बता, जब तो यहाँ से रस्सी को खींच रहा होगा तो मान लो तुम 100 के फोर्स से खींच रहे हो, तो जब इस वाली रस्सी पे 100 हो गया, राइट, तो इस नीचे वाली रस्सी पे कितना हो गया होगा सर, 100, तो यहाँ पर भी तो 100 हुआ, ठीक है। अब मान लो तुम इस पुल्ली के बीच में से तुम उसे यहाँ से खींचना चाह रहे हो, तो जरा बताना अगर तुम्हें पुल्ली को इधर लेके जाना है तो एटलीस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सर, 200 से ज्यादा, राइट, या तो 200 या 200 से ज्यादा, आया समझ में, वही वाली बात सर, अब समझ आया, ठीक है। तो अगर ये इसका मतलब एक बंदा चाहे तो वो डबल फोर्स लगवा सकता है ऐसे पुल्ली का यूज करवा के, ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी,
यस सर ठीक है। जैसे तुम जैसे कुएं के अंदर जब तुम डालते हो तो तुम एक रस्सी को खींचते हो या दो रस्सी को खींचते हो? सर दोनों रस्सी को, जो कुएं में रहती है वो भी और जिस पर एक को, तो तुम दोनों को खींच रहे थे पर तो अलग अलग रहते। हाँ तो तुम तो एक को खींच रही हो ना, तो हम तो एक को खींच रहे हैं लेकिन अब हम तो एक को खींच रहे हैं लेकिन अब वही वाली रस्सी किसी और को खींच रही है ना। आया सर मैं इस तरीके से सोचो कुछ पुल्ली की वजह से, तो पुल्ली की वजह से ऐसे फोर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तुमने ऐसे खींचा अब वही वाला फोर्स को वहां से खींच रहा है तो उतना ही फोर्स। तो इस तरीके से पुल्ली की वजह से अगर ये सो है तो ये भी सो ही रहता है। तो अगर तुम अब ठीक है इस तरीके से अब सर मेरे ध्यान सुनना, मान लो ये पुल्ली थी स्वास्थ्य का, मान लो यहाँ से पानी भरने के लिए गई ठीक है, ये पानी खींच रही है और नीचे बाल्टी में मान लो ये बाल्टी मान लो कितनी है, बाल्टी का भी कुछ वेट है ठीक है। अब स्वास्थ्य का यहाँ से खींच रही है, अब मान लो ऊपर से अब पुल्ली को यहाँ से कोई ऊपर खींच के लेके जाने वाला है ऊपर, तो बताओ स्वास्थ्य का इस साइड जितना वेट लगा रही है और जितना वेट इस बाल्टी का होगा टोटल फोर्स इसको इससे ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ये पुल्ली ऊपर हो पाएगी। खुद सोचो लॉजिक लगाओ, तो वही वाली बात तो है क्योंकि ये इधर है ये भी इधर है तो ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें दोनों का सम लगाना पड़ेगा वरना ऊपर जाएगा ही नहीं वो। गॉट इट एवरीबॉडी? यस यस सर। अब एक क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई पीपल, कह रहा है तुम चैप्टर खत्म हो गया है? नहीं अभी तो शुरुआत हुई है, टफ टफ क्वेश्चन होगी, ये क्वेश्चन काफी टिपिकल है, सीबीएसई में तुम्हारे इजी आएंगे बट अगर तुमने एक बार टिपिकल करना सीख लिया तो इजी तुम अपने आप कर लो। ये होके यहाँ पे ऐसे पुल्ली लगा रखी हमने, ये वाले बेटा प्योर प्योर समझो कि प्योर इंजीनियरिंग सीख रहे हो, मेडिकल वालों के लिए ही बोल रहा हूँ एंट्रेंस के लिए। यहाँ से सीलिंग पे ऐसे लटका हुआ है और ये यहाँ पे एक और हुक लटका रखा है। आई नो थोड़ा ज्यादा टिपिकल हो गया, ज्यादा ही नहीं हो गया ठीक है। टफ क्वेश्चन करो और अपने यूपीएससी का क्वेश्चन तो नहीं है, यूपीएससी का नहीं है लेकिन आईआईटी का बोल सकते हो ठीक है। हाँ तो ये मेरे पास तरीके से यूपीएससी की याद दिलाई, आई गेस तुम लोगों को पता लग गया होगा अंक सर का होगा ठीक है। फिर वो सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू के, इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हो गए हैं भाई, मतलब वो बन चुके हैं, मतलब हाँ, बन चुके हैं, बन चुके सर। वो जो दूसरी मैम थी वो सर वो टॉपर है सर 174। हाँ, वो तो अपने पहले पहले अटेम्प्ट पे ही बन गई थी, वो उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड है सर। अच्छा सर तो मैं ये कह रहा हूँ मतलब हाँ, अब वही मतलब जैसे होते हैं वही वाले बन गए क्या वो? हाँ भाई हाँ, एक्चुअली जब सेलेक्ट होते हैं ना तो ट्रेनिंग पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद तुम्हें फिर फाइनली दिया जाता है, तो अभी उनकी ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। ट्रेनिंग का मतलब आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग होती है। तो सर सही है सर, सर हमारी कोई परेशानी हम आपको बताएंगे, आप सर को बता दो। बिल्कुल दो दो आईएएस हैं अब तो, मैम और मैम के बेस्ट फ्रेंड। ओ सॉरी सॉरी, हमारे सर दोनों ही ठीक है। ठीक है भाई, अच्छा चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। सर तो हमें फिजिक्स आता होगा क्या? फिजिक्स आता होगा लोगों को? हाँ मैम, उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया है बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया है उन्होंने। तुमको भी पढ़ाया क्या? नहीं सर, मुझे भी पढ़ाया। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे तो वो ज्यादातर 11 12 को पढ़ाते हैं ठीक है। चलो भाई, न्यूमेरिकल सेक्शन लिया था उन्होंने पिछली बार स्वास्थ्य का, उन्होंने न्यूमेरिकल पोर्शन अंकित सर ने लिया था 11 12 का, इस बार जेडी सर ले रहे हैं ठीक है। तो आज तक तो सेकंड चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ हम लोग का न्यूमेरिकल, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैनेजमेंट के नाम पे जीरो हो तुम सब ठीक है। ये सब छोड़ते हैं आधे टॉपिक के ऊपर, मान लो इसमें टेंशन लग रही है T1 ठीक है, इस अब जितनी T1 इसमें लग रही है यहाँ पे दिया जा रहा है कि यहाँ पर भी टेंशन तुम्हारी T1 है ठीक है, और यहाँ पर भी टेंशन तुम्हारी T1 है, लेकिन जो यहाँ की टेंशन है वो यहाँ पे तुम्हारे को दे रखा है T2 ठीक है। तो अब आपको एक्चुअली में निकालना है कि टेंशन और आपको T1 और T2 निकालनी है, तो जरा बताएं कैसे निकालेंगे। यस तो एक बार डायग्राम बता देंगे क्या है? एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास M1 दे रखा है, वो एक हुक से अटैच है, ये पुल्ली है ठीक है। तो जब वो उसको खींच रहा है तो उस पर टेंशन लग रहा है T1, ठीक नीचे वाली एक और पुल्ली है तो उस पर भी लग रहा है टेंशन T1, फिर उसके ऊपर एक और जा रही है वो अटैच है वॉल से, उस पर भी लग रहा है T1, तो ये तीन जो है इस पर T1 लग रहा है क्योंकि ये एक दूसरे से आपस में वेल कनेक्टेड है तारे। अब यहाँ पे दूसरी रिंग आई है, दूसरी स्ट्रिंग आई है, दूसरी रस्सी, और ये यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, इसका है मेरे पास मतलब इसका जो वो दे रखा है टेंशन वो T2 दे रखा है।
तो अब आपको एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, आपको जो निकालना है ना, एक तो इनकी वजह से आप ना एक इक्वेशन निकालें, और वो इक्वेशन आपको निकालना है M1 और M2 की तरह से इक्वेशन निकालनी है। देखो अब चीजें तो आपको दी नहीं जा रही, कोई वैल्यू तो दी नहीं जा रही है, तो आपको इक्वेशन निकालनी है बेसिकली एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो अब आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए? आपको M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। और ऑफ कोर्स बोलो बोलो सर, M2G - T2 = M2A। अच्छा M2, ठीक है ठीक है M2। अच्छा देखा जाए तो M2 नीचे आ रहा है, am I right? Yes sir, वही तो बोल रही हूँ, तो M2G - T2 = M2A हो सकता है, ठीक है, फिर वजन नीचे लग रहा है उसका। और सर T का, हाँ और कुछ आस्था सर, T1 को हम लिख सकते हैं M1A, ठीक है, वेरी गुड। फिर sir, T2 को लिखते हैं M2G + M1A लिखना पड़ेगा कि नहीं, -M1A होगा सर, ठीक है। देखो सारे जो तुम लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने ट्राई किया, मैं अपने आप से मतलब यही बहुत अच्छी बात है। देखो अब ये M2, देखो सारे मुझे ध्यान सुनना, ये M2 है तो M2 का वेट कहाँ लग रहा होगा? नीचे के साइड लग रहा होगा M2G, क्या इसका भी वेट होता है कुछ ना कुछ? हाँ होगा, लेकिन उससे हमें मतलब खास नहीं है, क्योंकि वो तो खिसकते हुए आ रहे हैं ना, जैसे पिछले बार भी मैंने बनाया था लेकिन उसका यूज थोड़ी हुआ था कुछ, राइट? ठीक है, तो नहीं हुआ था। अच्छा अब देखो मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, थोड़ा सोचना, अगर M1 यहाँ से 100 मीटर चल के आ गया, M1 राइट साइड आ रहा है ना, अगर M1 यहाँ से 100 मीटर चलेगा, तो देखो ये M1 वाली जो ये रस्सी है आगे की साइड, ये ऊपर भी तो जा रही है उतनी, हाँ सर, तो ये कितना नीचे आएगा जरा सोचना एक बार, 100 नीचे आएगा ये कैसे? 50। अरे आधा तो उधर उधर बट गया ना, खुद सोचो एक रस्सी ऐसे, अगर तुमने यहाँ से 100 दिया है तो 100 अगर दिया जाएगा तो इधर भी तो ऊपर जा रहा है वो, तो उधर ऊपर चला गया तो ओवरऑल ये नीचे कितना आएगा? 50 नहीं आएगा सिर्फ? हाँ सर समझ गया, 50 आएगा। ठीक है, अगर ये वाली रस्सी नहीं होती, अगर ये वाली रस्सी नहीं होती तो जितना 100 वहां से निकला है उतना ही 100 ये नीचे आता, राइट? लेकिन इस रस्सी की वजह से वो उतना आधा खिंच गया ना ऊपर की साइड, तो इसका मतलब अगर मान लो ये यहाँ से अगर x डिस्टेंस गया तो ये यहाँ से नीचे कितना आएगा, कितना डिस्टेंस? x/2। इस चीज में पक्का सबको डाउट तो नहीं है? अगर यहाँ से ये 1000 खिसक के आया तो क्योंकि आधी रस्सी ऊपर भी जा रही है, ऊपर तभी तो वो नीचे आ पाएगी, तो आधा कंपनसेट उसे वहां करना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, इमेजिन करके देखो कि अगर तुमने वहां से 100 रस्सी छोड़ी तो 100 रस्सी में से आधा हिस्सा तो ऊपर भी चला गया और आधा ही तो नीचे आ पाएगा, क्योंकि 2 रस्सी ऐसे तो आधा ही नीचे आ पाएगा, तो इसका मतलब ये नीचे कितना आएगा? x/2, राइट? ठीक है, अभी संकल्प ने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि सर T1 तो हो जाएगा M1A, एम आई राइट संकल्प, तुमने यही बोला था? यस सर। अच्छा एक्सेलरेशन डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही है, सबको पता है, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस चला है। तो अगर मान लो अगर मैंने बोला कि x डिस्टेंस के लिए अगर एक्सेलरेशन a है तो जरा बताना, तो x/2 के लिए एक्सेलरेशन कितना बनना चाहिए? a/2 भाई, एक्सेलरेट क्योंकि डिस्टेंस कम है तो एक्सेलरेशन भी कम आएगा, तो ये a/2 है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, t1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी? t1 ऊपर वाला कहना ही से मैंने बताया था m1a, क्योंकि ये खिसकते हुए आ रहा है इधर की साइड एक्सेलरेशन से, ये बोला ना a है, तो फोर्स क्या होता है? ma होता है ना, टेंशन भी तो अपने आप एक फोर्स होता है, तो टेंशन = m1a हो जाएगा। अरे सेकंड लॉ ऑफ मोशन यार, F = ma, एक तरह से F का मतलब टेंशन हो गया। ठीक है स्नेहा, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, सिर्फ इतना हिस्सा देखा है मैंने, F = ma। ठीक है अब जरा आ जाओ यहाँ पे नीचे, इसकी शक्ल देखो, क्या ये मोशन में है, नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। आ रहा है अगर मोशन में आ रहा है तो मोशन में क्या चीज आ रही है? M2 मोशन में है। हाँ सर, अगर मोशन में है तो हम क्या करते हैं, M2A तो लिखना ही पड़ता है, M2A। अब बताओ A लिखू या a/2? a/2। ठीक है अब बताओ ज्यादा कौन सा हुआ, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। M2G, नीचे वाला क्या था? m2g - t2। वेरी गुड, m2g - t2। इस इक्वेशन में किसी को भी कोई डाउट है? स्नेहा संकल्प सर, ठीक है अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर हाँ बोलो बोलो सर, ये m2 a/2 बस क्या फिर से बोलना सर, ये m2 a/2 क्यों?
क्योंकि मैंने बताया था ना, जब भी मोशन होता है तो हमेशा एम ए लिखते हैं, याद आया वाला। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ए बाय टू लग रहा है तो हम क्या करें, तो हमें ए बाय टू लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। वहां पे हमेशा ए होता तो हम ए लिखते थे, अब इस बार अगर ए बाय टू हो गया तो हम ए बाय टू लिख रहे हैं, और बाकी वही जो ज्यादा होता है एम टू जी। हाँ कुछ बोल रही हो? हेलो आस्था कुछ बोल रही हो? नहीं सर। अच्छा अब टेंशन टेंशन के बीच में कोई रिलेशन है? अभी जो मैंने एक पनगढ़ वाला एग्जांपल दिया, ऊपर से अगर पुल्ली को कोई खींचा था, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये स्काई ब्लू कलर से ये टेंशन T1 ऊपर लग रहा है, ये टेंशन भी T1 ऊपर लग रहा है, लेकिन ये वाला अब तुम पुल्ली को डायरेक्ट नीचे खींच रहे हो तो जरा बताना T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी यही चीज हमने पक्का सोच लो एक बार। यस सर। तो इसका मतलब T2 किसके बराबर हो जाएगा? M2 G के। अरे उधर से खींच रहा है, ऊपर से कोई खींच रहा है तो बस उसको उल्टा कर दो ऐसे, तो टी टू इज इक्वल टू टी टी वन आ गया। एक इक्वेशन हमने ये निकाली पहली वाले का, इसको ये निकाली, और एक हमने ये अपनी इक्वेशन जो हमेशा करते हैं, तो तीन इक्वेशन आ चुकी है। क्या यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत है इतने के अंदर? No. अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको T1 की वैल्यू पहले से पता है? T1 की वैल्यू हाँ. सामने दिख रही है? हाँ, सर, क्या मैं T1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकता हूँ? हाँ. तो अगर मैं 2 की वैल्यू इसमें रखूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, M1A, राइट? ठीक है, ये मेरे पास 2 इंटू में M1A आ गया, ठीक है। अब आपको T2 की वैल्यू पता लग गई है, तो अगर आपको T2 की वैल्यू पता लग गई तो क्या मैं T2 की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ? हाँ. करना जरा, M2A by 2 is equal to M2G, और ये कितना हो जाएगा? Minus 2M1. Minus का 2M1A, am I right? Yes. अच्छा क्या इसको मैं A के पास, A के पास ले जाऊं? ठीक है, अब जरा बताना एक बार कि क्या बन जाएगा, वो क्या बन गया है मेरे पास, जरा बताना एक बार। M1 अगर मैं, ओ सॉरी 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 सर, M2 एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन निकल सकता है ना इधर देखा जाए तो। yes, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तुम कह रही हो कि अगर मैं M2 को कॉमन ले लूँ, ये कह रही हो? यस सर। एक सेकंड रुकना यार, अगर मैं यहाँ से, मुझे एक्चुअली में देखो तुमको जो क्वेश्चन दे रखा था वो निकालना तो मैं कि M1 के लिए एक्सेलरेशन अगर तुम्हें निकालना है, एक सेकंड जाओ, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो ये निकल जाएगा। एक सेकंड कैसे, अगर मैं यहाँ से ये जो 2 है, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा M2A, 2 जा 4, और ये हो जाएगा मेरे पास 2M2G, यही तो करते हैं मल्टीप्लाई। यस। अब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा, M2 प्लस का 4M1 is equal to 2M2G, तो acceleration कितना निकल के आया जरा बताना एक बार, 2M2G divided by M2 plus का 4M1, yes or no everybody, ये मेरे पास acceleration की value निकल के आ गई है, right? M1, M1, M2 के terms में मेरे पास acceleration आ चुका है, right? तो ये मेरे पास क्या हुआ, तो ये मेरे पास है एक्सेलरेशन। अब जरा एक बात बताओ, ऊपर कर दीजिए। हाँ अभी कर रहा हूँ एक सेकंड, ये एक्सेलरेशन जो आया है ये ऊपर वाले के लिए आया है या नीचे वाले के लिए आया है एक्सेलरेशन? ये मैंने ए की वैल्यू निकाली है ना, तो ए की वैल्यू तो आई है, देखो ये था ना एक्सेलरेशन वाला, तो यस। अच्छा और नीचे वाले के लिए क्या था, तो ऊपर वाले के लिए तो एक्सेलरेशन तुमने निकाल लिया ए, अब ए बाय टू भी निकालना है, तो ए बाय टू, अब अगर तुम ए बाय टू करोगे तो क्या हो जाएगा पूरे का, कुछ देख रहे हो क्या, क्या तुम्हें कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर? Yes. भाई नीचे वाला acceleration अगर निकाल रहे हैं तो वो a by 2 था, तो 2 से 2 कट जाएगा वाला? M2G upon M2 Very good. तो M2G upon में M2 plus का 4M1, बाकी पूरा का पूरा सेम है, राइट? तो कहना ही से ये acceleration क्या है, अपर acceleration, राइट? और ये वाला जो था acceleration, ये किसके लिए है? Lower. क्योंकि वो हाफ ही तो हो रहा था, am I right everybody? ये question बेटा बहुत बहुत important है, ध्यान रखना, ठीक है? तो सब बच्चे इसको please note down करें,
शौर्य तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत ही हॉर्स क्वेश्चन है और ये मैं पक्का कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं पक्का दूंगा एंट्रेंस में। अरे हैं एंट्रेंस में? एंट्रेंस में मतलब टेस्ट में। हाँ ठीक है सर। क्यों सर? सर ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन तो यही तो क्वेश्चन है जो जिससे हमारे बहुत सारी चीजें इसने कवर कर ली है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है तो वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया। संकल्प आस्था कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना था। एक्सेलरेशन निकालना था इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2। ठीक है तो एक्सेलरेशन निकालना था m1 m2 के टर्म्स में जो कि हमने निकाल लिया है। तो ऊपर वाला था a। अच्छा अरे भैया ठीक है ठीक है। माइका क्या हुआ, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। ठीक है थोड़ा सा टिपिकल है, आई नो दैट। इतनी नाइन्थ की नहीं थी सर, इतनी इलेवेंथ की। ऑफ कोर्स क्योंकि इलेवेंथ है इतना तो होना भी चाहिए। ऐसा स्पेशली एंट्रेंस वालों के लिए बहुत है। सर मुझे थर्ड इक्वेशन निकल के आई थी, एक बार ही बता देना दोबारा। थर्ड इक्वेशन ये टेंशन वाली? हाँ ये m2 a by 2 is equal to m2g। अच्छा 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 ठीक ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको जरा ध्यान से देखना, ये वेट एक नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है मैंने बताया था क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस चला है तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, हाफ होगा राइट। ठीक है और ये मेरे पास m, इसका वजन कितना है मतलब वो मास कितना है m2, ऊपर टेंशन कितनी लग रही है ये t2 और इसका वेट कितना लग रहा है m2g, यही बताया था मैंने राइट। एक्चुअली मैं इसके अंदर ना मोशन आ गया है, a by 2 है तो मोशन तो हुआ ही हुआ। मैंने हमेशा क्या बताया है क्योंकि जब भी कोई चीज ऊपर नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड जा रही होती है तो हमेशा m into a करते ही है, m into a। यस सर। अन्वेषा यस और नो? यस सर यस। तो वही तो क्या है m into a। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलरेडी a by 2 तो इसलिए मैंने a by 2 लिखा, अगर a होता तो मैं a लिखता। ठीक है तो ये मैंने जब लिफ्ट का केस किया था तो मैंने लिख दिया m into a। अब बताओ ज्यादा कौन सा है, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। अरे ज्यादा कौन सा है? अच्छा ज्यादा सर सॉरी नीचे वाला। नीचे वाला ना क्योंकि नीचे की साइड जा रहा है एक्सेलरेशन, नीचे की साइड ऐसे करके है तो m2g माइनस का t2, यही तो क्या है अभी तक हमने। जैसे मान लो कोई मुझे यहाँ एक ये हाथ है एक ये हाथ है, कोई मुझे वहां से यहाँ से खींच रहा है यहाँ से, तो मैं मोशन में आ जाऊंगा तो m into a ठीक है इज इक्वल टू ये वाला माइनस ये वाला, यही तो करा है हमने अब तक। आया अन्वेषा समझ में? वो तो आ गया बस वो a by 2 वाला वो समझ नहीं आ रहा क्योंकि अच्छा वाला कॉन्सेप्ट ऊपर से मतलब आधा कैसे हुआ। अच्छा 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 ये ओके ओके। मुझे एक बात बताओ ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट था मान लो, ये इस तरीके से इस पे एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। ठीक है अगर अगर मान लो अगर ये 200 चला यहाँ से, ठीक है 200 यहाँ से चला तो ये रस्सी से 200 यहाँ पे नीचे की साइड खिसकता जाएगा राइट। तो जब यहाँ से खिसकता जाएगा तो मुझे एक बात बताओ तो उतनी ही ये रस्सी इस साइड भी तो जाएगी ना, इस साइड कुछ पोर्शन इसका इधर भी तो जाएगा ऐसे करके। तो अब ओवरऑल अगर ये 200 यहाँ से खिसकते हुए गया है ठीक है और ये वाला हिस्सा फिक्स है तो कुछ हिस्सा ये वाला कवर हुआ कुछ हिस्सा ये वाला कवर हुआ, तभी तो आधा आधा ही तो हो पाएगा। ये एक्चुअली तुम प्रैक्टिकल करके देखना ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे? क्योंकि ये वाला हिस्सा फिक्स है। एक काम करो सर वो हॉरिजॉन्टली तो आया समझ, जो पिछला एग्जांपल जो था हमारा क्वेश्चन, बट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो वो जी का फंडा क्या है, मतलब जी नहीं लग रहा उसमें नीचे, पुली के नीचे एम टू है तो उसमें जी नहीं लग रहा। M2 में तो जी लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। अगर यहाँ पे इसने डिस्टेंस अगर x किया है ना तो क्योंकि यहाँ पे ये वाली रस्सी भी है, देखो अगर ये वाली रस्सी नहीं है यहाँ पे तो इसमें जितना x है उतना x यहाँ पर भी है, जितना ये ऊपर है उतना ये यहाँ पर भी है। लेकिन इस बार हुआ क्या है, इस बार इस रस्सी को हमने ऐसे घुमा दिया है तो ऐसे घुमाने से क्या होता है जितना भी खींचेगा ना तो उसका आधा हिस्सा ये भी मतलब जितना क्योंकि ये तो फिक्स है तो उतनी ही रस्सी मेरे पास कंपनसेट होती है, इक्वली इक्वली जाएगी ना नीचे भाई, जितनी रस्सी ये नीचे जितना ये नीचे आएगा उतना ये भी नीचे आएगा,
इक्वली इक्वल रहना चाहिए ना 100, तो ये ओवरऑल नीचे कितना आ पाएगा सिर्फ, अगर ये 100 था तो सिर्फ 50 ही तो नीचे आया, क्योंकि उतना हिस्सा वो भी ले रहा है, उतना हिस्सा ये भी ले रहा है नीचे आने के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है, आ गया सर। ठीक है, अगर वहां से कुछ चीज खिंच गई है तो नीचे पूरी पूरी आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो घुमाव होकर ऊपर भी जा रही है तो ओवरऑल तो हमें नीचे ही आना है, तो इसलिए वो चीजें बट गई हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो मैं ना तुम्हें प्रैक्टिकल करके देखना, कोई भी चीज को घुमाना वहां से रस्सी को छोड़ना तो वो नीचे, तुम जितना छोड़ोगे ना उसका आधा ही नीचे आएगा, क्योंकि आधा हिस्सा वहां चले जाता है उसका, इसीलिए। ठीक है भाई, इसलिए यहाँ पे अगर ए था तो यहाँ पे ए बाय टू था। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। यस सर। ये एस टाइप के क्वेश्चन स्कूल वाले नहीं करवाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है स्नेहा, करवाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे स्कूल में? तो नीचे कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो नीचे कर दो। हाँ हाँ कर रहेगा। ये चैप्टर किसके स्कूल में चल रहा है? स्कूल से नहीं हुआ सर। अच्छा वेरी गुड। हो गया भाई। देखो 11 तुम निकाल लो, सब लोग 11 निकाल लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि 12 तुम्हारी अच्छी होगी निश्चिंत, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। किसी का अगर एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता है तो वो उसका 11th की वजह से नहीं होता है, क्योंकि 10th के बाद 11th पढ़ने का मन नहीं करता है। 10th में वैसे हार्ड वर्क बात बता रहे हैं सर, सच्ची से इतना ऐसा ही पढ़ लिया है, ऐसा ही होता है कि 10th के बाद पढ़ के आते हैं तो टॉप कर जाते हैं या अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, तो 11th थोड़ा बोरिंग सा लगता है कि अरे इसमें तो बस पास ही होना ये वो, लेकिन ये साइंस वाले बच्चों के लिए तो नहीं है। साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा पढ़ना होता है, क्योंकि उनको एंट्रेंस 11th 12th के बेस पे देना होता है, सिर्फ 12th के बेसिस पे नहीं होता है, 11th 12th दोनों आता है उसमें। तो जिनका 11th अच्छी नहीं होती है उनका रह जाता है 12th, तो सबकी अच्छी हो जाती है, क्यों? क्योंकि बोर्ड होता है तो मोस्टली बच्चे पढ़ते ही हैं बोर्ड की वजह से, क्योंकि अगर बोर्ड में भी नहीं पढ़ेंगे तो ड्यू भी हाथ से निकल जाएगा, तो इसीलिए 12th में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी 12th अच्छी हो जाती है। हम लोग को जैसे मान लीजिए 12th में अच्छे नंबर आए और एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए तो सर ड्यू कैसे हाथ में रहेगा? ड्यू लो, पूरे सेशन ले लिए मैंने इतने सारे और उनको ये नहीं पता सर, मैं नहीं थी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, 12th के मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है ड्यू में। ठीक है, डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं 55 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, आराम से तुम डीयू में होता है ना, डीटीयू में नहीं होता वो। डीटीयू में नहीं होता है भाई, आई एम सॉरी फॉर दैट, डीटीयू के लिए एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, डीयू अलग चीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी कराता है, बीटेक नहीं वो। ठीक है, बीटेक भी कराता है लेकिन उसके लिए एंट्रेंस है डीयू का भी, वो वैसी वाली बीटेक कराता है एनालिटिकल वाली, मतलब की ज्यादा लैब्स नहीं है, वो नाम की बीटेक है। ठीक है, उसके लिए भी लोग जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, तो इसे लोग कर लेते हैं, वो नाम की बीटेक है। जैसे कंप्यूटर साइंस अब बीएससी करवाते हैं, बीएससी डीयू जो है वो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करवाता ही है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा हम कंप्यूटर साइंस, हमारे पास कंप्यूटर के लैब तो है ही है, तो क्यों ना बीटेक भी हम करा लें, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम और हो जाएगा, तो उन्होंने बीटेक भी खोल दिया। क्योंकि तो आपकी कितनी रैंक आई? 24,000 यार मेरी ज्यादा, क्योंकि मेरे मेडिकल का था ना, डीयू का मेडिकल का भी है लेकिन वो अलग है डीयू से, मतलब है तो वो उनको यूनिवर्सिटी तो में डीयू की मिलेगी लेकिन वो कैंपस में नहीं आते हैं, वो अलग से हैं, मतलब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली गेट पर है, ऐसे जीटीबी, अगर तुमने सुना होगा जीटीबी हॉस्पिटल, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, कनॉट प्लेस तो सुना ही होगा, कनॉट प्लेस में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, तो ये तीन मेन कॉलेजेस हैं, और एक रोहिणी में है भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर हॉस्पिटल का नाम सुना है कभी किसी ने? नहीं सुना, वो भी गवर्नमेंट के, वो तो ये तीन ये चार कॉलेज आते हैं एक्चुअली, तो इसके लिए तो हमको निकालना ही पड़ता होगा, इसके लिए तो नीट निकालना पड़ेगा, ऑफ कोर्स नीट निकालना पड़ेगा, पहले डीपीएमटी होता था दिल्ली पीएमटी, उसे हटा के अब नीट के थ्रू कर दिया, मतलब बहुत पहले से ही, 3-4 साल पहले से। हाँ कुछ बोल लेते एक सेकंड, तुम कोई कुछ बीच में बोल रहा था अभी, कार्तिक बोल रहा था कुछ। हाँ क्या सर? थैंक यू सर। अच्छा कुछ पूछ रहे थे ना अभी शायद तुम? सर नहीं सर, हम तो अब सवाल रैंक पूछ रहे थे। हाँ हाँ रैंक भाई, मेरा एक्चुअली मैंने एक साल ड्रॉप किया था मेडिकल के लिए, लेकिन मेरा मेडिकल के मेंस में मेरिट में नाम नहीं था, मैं वेटिंग में रह गया था, लेकिन उसी टाइम पे मैंने अपना AI ट्रिपल का एग्जाम दिया था, और AI ट्रिपल मेरी 24,000 रैंक थी। क्यों? क्योंकि मैथ मेरा सब छूट चुका था, ऑल इंडिया 24,000 रैंक अच्छी होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि 9-10 लाख लोग पेपर देते हैं, उससे भी ज्यादा देते हैं बल्कि, चेक कर लेना, तो अगर उसमें तुम 25,000 के अंदर आ जाते हो तुमको NIT IIT मिल जाता है, उस टाइम पे IIT मंडी मिल रहा था मुझे, IIT मंडी, तो IIT मंडी मैंने छोड़ दिया क्योंकि घर वाले भेजे कि T2 जब मिल रहा है तो वहाँ पे जाने का क्या मतलब है,
तो इसीलिए आईआईटी मंडी उस टाइम पे नया खुला था आईआईटी, तो उसकी ना तो प्लेसमेंट के बारे में कुछ पता था ना कुछ पता था, नया नया कॉलेज बना था, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ के डीटीयू को प्रेफरेंस दिया कि पास का पास, घर पे रहेंगे, दिल्ली का और अच्छा कॉलेज भी है तो इसीलिए ऑल्दो मैंने डीयू में एडमिशन लेके रख लिया था हंसराज कॉलेज के अंदर, शायद मैंने मेरे चाचा हैं उसमें हंसराज कॉलेज में। अच्छा ठीक है, मेरा भाई पास आउट हो गए, जज बन रहे। अच्छा अच्छा एलएलबी क्या है क्या? हां सर एलएलबी। ओके ओके सर, तभी आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे निकाल लिया। हाँ निकाल लेते हैं भाई। अरे इंजीनियरिंग में पता है तुम यकीन नहीं करोगे यार, बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, तुम यकीन नहीं करोगे। मैंने इंजीनियरिंग की बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तभी मेरा मेडिकल जिसकी मैंने तैयारी करी मेरा वो वाला उसमें मैं रह गया। और जिस जिसकी जी जान लगा के पढ़ा था ना, नॉर्मल पढ़ा था, ऐसा भी कुछ जी जान नहीं लगाया था, जी जान लगा के पढ़ा था मेडिकल में होता ना, नॉर्मल पढ़ा था ठीक है। हाँ ठीक ठाक था, ये बोल सकते हो कि देखो जैसे मैंने बहुत बार बताया 90 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर, और मेरे टाइम पे 200 क्वेश्चन थे AIPMT में, और 200 क्वेश्चन 3 घंटे में, जमीन आसमान का फर्क था तुम्हें पता है। ये लोग बोलते हैं ना कि लेवल का बहुत बड़ा फर्क है, कोई लेवल का इतना फर्क नहीं होता, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था। हाँ 3 घंटे के अंदर तुम्हें पता है AIAAA का पेपर इतना जल्दी हो गया, मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैं देख रहा दूसरों को क्या चल रहा है, उस टाइम पे ऑफलाइन होता था। हुआ कैसे नहीं सर आपका फिजिक्स, मतलब बोलते हैं कि मेडिकल में सर बहुत कम इजी क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स। नहीं नहीं गलत है ये, बहुत बहुत गलत बात है यार, तुम यकीन नहीं करोगे। बायोलॉजी मैंने आधे घंटे के अंदर कर ली थी, और केमिस्ट्री भी मेरी ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर। बायो तो हो ही जाता है, 1 घंटा फिजिक्स को देने के बाद भी मेरे फिजिक्स में कुछ अच्छा ज्यादा स्कोर नहीं बन पाया था मेरा, क्योंकि फिजिक्स में उल्टी सीधी बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन और बहुत कैलकुलेशन थी जो कि नहीं हो पाए थे फिजिक्स में। इसलिए मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि किसी का इंटरेस्ट में होगा तो वो फिजिक्स की वजह से होगा, और नहीं भी होगा तो भी वो फिजिक्स की वजह से ही होगा, क्योंकि फिजिक्स का लेवल बहुत अजीब रखते हैं वो लोग। सर ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा नहीं करना। मैं वो बोल रहा हूँ जो मैंने फेस किया। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर ठीक है, बस जल्दी से छोड़ रहा हूँ, आई नो दैट कि तुम लोग बोलने वाले कुछ। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम जा सकते हो। मान लो एक ऐसा ना इस तरीके से एक बस न्यूमेरिकल का यहाँ से, फिर यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आगे। मान लो एक पुल्ली ऊपर लटका दिया किसी ने ठीक है, पुल्ली है ये ठीक है, तो ये पुल्ली है मान लो, और इस तरीके से ना एक ऐसे रस्सी जा रही है, ये ऐसे खींचती हुई यहाँ पर है ठीक है, तो एक मास यहाँ पे लटका हुआ है और एक मास्क यहाँ लटका हुआ है ऐसे ठीक है। इस पे जो मास है मान लो कुछ भी मास हो सकता है M1, और मान लो इस पे मेरे पास है M2 ठीक है। तो अब ना तुम्हें एक्चुअली में ये सीखना है कि इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बनता कैसे है ठीक है, क्योंकि अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए तो तुम बाकी सारी चीजें अपने आप सीख जाओगे ठीक है। देखो मान लो अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास 30 ग्राम है ठीक है, और मान लो मैंने बोल दिया ये 50 ग्राम है, बताओ अगर कोई भी चीज टेढ़ी भी हो जाए तो उसका वेट हमेशा नीचे लगता है या कहीं और भी लग सकता है? नीचे लगता है, कुछ भी हो जाए वो हमेशा नीचे लगता है। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोल, देखो यहाँ पे एंगल का बहुत बड़ा फर्क होता है। मान लो कि अगर ये एंगल इस वाला जो स्लोप है ना, इसको मैंने कर रखा है 60 डिग्री पे, और मान लो इसको मैंने कर रखा है 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे एंगल की वजह से बहुत बड़ा फर्क आता है। क्यों बताता हूँ, देखो मैंने क्या बोला, चाहे कैसा भी कर दो वेट हमेशा नीचे लगता है राइट, mg बोला नहीं बोला मैंने? Yes, sir. तो m कितना दे रखा है मैं 30 ग्राम, चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे mg। अगर ये मेरे पास नीचे क्या लग रहा है, एक सेकंड रुकना सर, एक सवाल था सर। हाँ बोलो। वैक्यूम में भी क्या कोई फोर्स एग्जर्ट होता है हमारे पे? वैक्यूम में बिल्कुल सारी चीज जो लगाओगे वो सब होगा। मतलब सर वहां पर भी कोई फ्रिक्शन अप्लाई होता है हम पे? बिल्कुल भाई, फ्रिक्शन का वही मॉलिक्यूल ऐसे चीजें नहीं होते, लेकिन वो तो लगेगा ही ऑफकोर्स, रस्सी से तुम किसी को खींचोगे तो फोर्स तो लगेगा ही। वैक्यूम तो वैक्यूम अलग होता है भाई, वैक्यूम में तो बिल्कुल सारी चीजें लगेंगी बस। अच्छा, सिवाय पार्टिकल्स के? हाँ बस पार्टिकल नहीं है, लेकिन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, फोर्स के लिए थोड़ी कुछ वो है बाउंडेशन। ठीक है सर। वहां पे जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी चीजें चेंज हो जाती है जिसके अंदर जिसको एटमोसफेयर की जरूरत पड़ती है। एक रस्सी को एटमोसफेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रस्सी के अंदर क्या है कितना फोर्स लगा रहा है उससे फर्क पड़ता है। चाहे तुम पानी में ले जाओ चाहे कहीं ले जाओ, रस्सी जितने से खिंच रही होगी उतने से खिंचेगी। मैंने क्या बोला था, ये मान लो 60 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री। अब मैंने क्या बोला, इसका जो वेट होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की साइड राइट। तो ये mg लग रहा होगा। यस मान लो ये m1 बोल दिया 30। अब देखो थोड़ा ध्यान से सोचना, ये वर्टिकल है तो जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे कि अगर मान लो मैं इधर की साइड, ये अगर मेरे पास एक mg फोर्स लग रहा है और मान लो ये वाला अगर 50 है, तो इसका वेट भी कहाँ लग रहा होगा,
नीचे ही लग रहा होगा mg की साइड, राइट? एम आई राइट पीपल? अच्छा देखो, अब ना एक चीज का थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है, जितने एंगल पे ये उठा है उतने ही एंगल पे ये वाला पोर्शन भी उठा है, ये इस, ये वाला इस तरीके से, एक सेकंड कैसे दिखाऊं, इस तरीके समझो, ये वाला ऐसे, जितने एंगल पे ये 30 है उतने एंगल पे ये वाला भी उठा है ऐसे। ये क्या है, ये बता रहा हूं क्या है, देखो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से, देखो अगर ये वाला जो स्लोप है, ये वाला इस स्लोप को जरा ध्यान से देखें, अगर ये बिल्कुल नीचे ले आओ जमीन पर, ठीक है, तो अगर तुम इसे जमीन पे ले आओगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कन्वर्ज हो जाएगी? देखो वेट तो हमेशा नीचे लगता है, अगर इस वाले स्लोप को तुम नीचे लेकर आ जाओगे तो ये वाली लाइन आपस में जुड़ नहीं जाएगी? हाँ सर, कोइंसाइड कर जाएगी, बिल्कुल कंसाइड कर जाएंगी। अब अगर तुम इसे उठा रहे हो तो जितने एंगल पे तुम उसे उठा रहे हो इसका एंगल भी तो उतना ही उठेगा, खुद सोचो। हाँ सर, नहीं आया समझ? जैसे मान लो अगर एक लाइन ये ऐसी है तो अभी दोनों दोनों लाइनें यहीं पर ही हैं, लेकिन अगर तुमने इस वाली लाइन को मान लो इतना उठा दिया, तो इतना उठा दिया तो एक तो वेट तो नीचे ही लगता है, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये भी तो उतना एंगल खिंच जाएगा, अगर ये 30 होगा तो ये भी तो 30 उठ गया, ऐसे ऐसे जितना खिंचता जाएगा ऐसे ऐसे। आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? यस सर। अगर ये 30 है तो ये भी ये वाला जो एंगल है ये भी कितना उठ गया, ऐसे 30 उठ गया, राइट? तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि कंपोनेंट का भी जिसके साथ थीटा अटैच रहता है वो क्या होता है, cos थीटा sin थीटा। अगर ये mg है तो ये वाला क्या हो जाएगा, mg cos 60, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg sin 60। हाँ sin 60, mg sin 60, बस इतना करना है। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताया, हमेशा अगर कोई वेट का कॉम्पोनेंट ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर, हमेशा क्या लगता है, जो जो बॉडी होती है बॉडी के परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल। तो बॉडी का परपेंडिकुलर क्या हुआ, बॉडी का परपेंडिकुलर तो यही हुआ ना, बॉडी का परपेंडिकुलर, ये बॉडी ऐसे है टेढ़ी रखी हुई, तो अब अगर ये इक्विलिब्रियम में तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा? हाँ। इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्स आपस में एक दूसरे के बराबर है, ये वाला और ये वाला आपस में अपोजिट हो गया ना पीपल, तो आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया यहाँ से। अब नीचे आओ जरा इस साइड, ये 30 है जिसके साथ थीटा अटैच रहता है उसे क्या बोलते हैं, mg cos 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin 30। अच्छा बॉडी के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लगता है ऊपर, नॉर्मल। तो यहाँ पे जरा बताना, यहाँ पे r is equal to क्या हो गया, r equals to mg cos 30। सोच लो एक बार प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये आपस में एक रस्सी से बंधे हुए हैं, अब देखो इसका ये यहाँ पे mg sin थीटा इधर की साइड जा रहा है तो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा। हाँ। अब ये इस साइड वेट जा रहा है तो यहाँ का टेंशन यहाँ लग रहा होगा। हाँ। तो अगर ये इक्वल है तो एक इक्वेशन और बन जाएगी टेंशन को देखते हुए। हाँ। तो टेंशन इज इक्वल टू mg sin 60, वेरी गुड, टेंशन इक्वल टू mg sin 30, और यहाँ की भी इक्वेशन बन जाएगी टेंशन इज इक्वल टू mg sin 30। समझ में आ गया भाई? हाँ, तो हम इक्वेट करके कर लेंगे, लेकिन अभी तुम्हें ये समझ में आ गया किस तरीके से हम चीजें करते हैं यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना यहाँ पे कि किस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, देखो एक गांव का बच्चा आएगा तो देखो अच्छा ये ऐसे हो गया, ये तो वो है चक्री सी, चक्री में रस्सी बंधी हुई है, वो इधर जा रहा है और वो इधर जा रहा है, ऐसे बोलेगा वो। लेकिन तुम क्या सोचोगे कि वेट नीचे लग रहा है, अब अगर जितना एंगल पे वो उठेगा उतने एंगल का ये कंपोनेंट बन जाएगा 60, तो जिसके साथ थीटा अटैच रहता है वो क्या होता है mg sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है sin, जिसके साथ थीटा अटैच नहीं है mg sin 30, और हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर क्या लगता है, नॉर्मल। तो वर्टिकल का वर्टिकल से कर दो, वर्टिकल का वर्टिकल से, और हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल से, इसी तरीके से वर्टिकल का वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल से। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो मेरे पास ये इक्वेशंस आ गई, अब हम कर लेंगे जो भी चीज निकालनी होगी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यस नेहा, अन्वेषा, यस सर। तो इस टाइप का सबने बना लिया ये वाला डायग्राम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। बस छोड़ रहा हूं मैं, ये वाला एंगल मेरे पास 50 दे रखा है, ये एक बॉडी है, इसका वेट मेरे पास नीचे लग रहा है, तो जरा बताना मान लो ये मेरे पास mg है तो माइका ये जो मेरे पास नीचे की साइड ऐसे लग रहा है ये वाला,
ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा सर, थोड़ा ऊपर तो दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ये 50 है और ये mg नीचे की साइड लग रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका ये क्या हो जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, क्या लगता है सर? cos थीटा होगा, mg cos थीटा, cos 50। ये ऊपर वाला नीचे वाला? हाँ, नीचे वाला, ये वाला। हाँ नहीं नहीं रुको एक सेकंड। हाँ यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg cos 50 और ये हो जाएगा mg sin 50, ठीक है। ये वाला कौन सा है, सब बच्चों को याद रखना है। देखो ये अभी ना जो तुम पहली पहली बार पढ़ते हो ना, तो चीजें मन के अंदर आती है, अरे यार ये तो बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएगा, ये क्या हो रहा है। अभी ना चीजें तुम्हें सीखनी है, अभी इन चीजों को ना एक्सेप्ट करो, ऐसे ही करना होता है। अभी तुम नई नई चीजें देख रहे हो, अगर तुम पहले से ही विद्रोह लाओगे कि अरे ये तो बहुत टफ है, हम नहीं करेंगे, हम तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ ही देंगे, ये तो बहुत ही गंदे क्वेश्चन है, जब अच्छे वाले आएंगे वो कर लेंगे, पास ही तो होना है बस। तो ऐसी चीजें कभी थॉट में नहीं लानी है, अभी ये चीजें ऐसी हैं तो ऐसी ही यूज होंगी आगे तक, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। तो आई होप ये सीख लिया होगा, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।